सो लास्ट टाइम तुम लोग ने देखा कि हीरोबाइन ने मेरे साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया था एंड फिर उसका ब्लड का पीछा करते करते मैं पहुंचा एक मिस्टीरियस पोर्टल के पास, जिसके अंदर जाने के बाद वहां पर मुझसे एक पार्कोर टेस्ट करवाया गया एंड वो टेस्ट मैंने एकदम चुटकियों में पार कर लिया। एंड देन मैं साइंटिस्ट के इतना करीब था, इतना करीब, एंड मैं साइंटिस्ट को छुड़ाने ही वाला होता हूँ, बट हीरोबाइन मुझे कैप्चर कर लेता है। एंड अब कंटिन्यू, ये कहाँ पर हूँ मैं? साइंटिस्ट, व्हाट, कहाँ पे हूँ मैं? और ये कहाँ पे फंसा दिया, निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? वेट अ सेकेंड, मेरे को भी बंदी बना लिया, व्हाट? ओ नो, यार ये क्या कर दिया मैंने, अब तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। वेट, क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? इसको टेक्स्ट लिख के देखते हैं। वो हम लोग बात कर सकते हैं, यस। तो चलो यहाँ पे कोई तो है जिससे एटलीस्ट मैं बात कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ, हीरोब्राइन किडनैप्ड अस। अरे वो तो मुझे भी पता है, बट अब यहाँ से निकले कैसे? लिटरली कुछ तोड़ भी नहीं पा रहा यहाँ का। एंड अभी सबसे मेन चीज जो कि हीरोब्राइन गया कहाँ पर है, एंड अगर उसने मेरे को पकड़ा तो डायरेक्ट मुझे मार क्यों नहीं दिया? इस साइंटिस्ट की तरह मेरे को भी क्यों बंदी बना लिया इसने? और हाँ, इसने चश्मा भी चुरा है, चश्मा चोर कहीं का। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि क्या हीरोब्राइन को हम दोनों से कुछ चाहिए, क्योंकि अगर उसको सिर्फ साइंटिस्ट से कुछ काम होता तो फिर वो मुझे मार देता है ना। लेकिन आई गेस उसको हम दोनों से कुछ ना कुछ तो काम है एंड वो हम लोग को किसी तरह से यूज करना चाहते हैं। चलो साइंटिस्ट का तो समझ में आता है, उसके पास दिमाग है बहुत, मेरा क्या काम है? तो यार अभी कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा ना, लाइक साइंटिस्ट मेरे सामने और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे। अब क्या करे, वॉच योर बैक। पीछे हीरोब्राइन ने क्या क्या स्कैम कर रहा है यार? वेट, क्या इसका मतलब कुछ और था क्या? वेट, क्या वहां पर कुछ है? वो देखो वहां पर तुम लोगों को कुछ तो गैप दिख रहा है एंड उस गैप के अंदर कुछ तो व्हाइट व्हाइट है, क्या वो स्नो है या फिर कुछ और? ओ व्हाट, इसके अंदर है स्टोन नाइफ। ओ माय गॉड, ये इसने कब रखा यहाँ पे? लाइक हीरोब्राइन ने देखा नहीं हुआ क्या? और ये देखो नीचे क्या आ रहा है, कट योर रोप्स। वेट, क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ ऐसे? ओ निकल गया बाहर, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो गई, शिट। एंड अब मैं इसको कैसे निकालूंगा? नहीं यार, इसने इतनी हेल्प की और मैं कुछ नहीं कर पा रहा यहाँ पे। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने वो नाइफ वहाँ पर रखी कैसे, कब रखी, क्योंकि यहाँ पर बंदी होने से पहले इसने नाइफ रखी होगी, तो क्या हीरोइन ने देखा नहीं इसे? ओके, दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, बट अभी इसके लिए मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, जो कि एक दूसरी नाइफ ढूंढना। एंड ये देखो यहाँ पर कुछ तो खुफिया जगह है, चलो जाके देखते हैं। थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि अगर हीरोब्राइन ने मेरे को ऐसा देख लिया तो भी समझो बचने का चांस ही नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं साइंटिस्ट ने कैसे वहां पर नाइफ रखी है। एंड ये देखो ये क्या है, ओ मैं डर गया, ये तो बस एक पिक्चर है, मुझे लगा हीरोब्राइन देख रहा है वहां से मेरे को। एंड ये क्या लिखा है पे, ऑब्जेक्टिव। वेट, ये हीरोइन का बेसमेंट है क्या? बट यार मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है, नहीं। एंड ऑफ कोर्स खोल भी नहीं पा रहा हूँ यार, अब चाबी कहाँ से लाऊं इसकी? यार अगर चाबी नहीं मिली तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा तो मुझे अंदर क्या लिखा है और हीरोइन क्या करना चाहता है वो भी मालूम नहीं पड़ेगा, और ना ही मैं इस साइंटिस्ट को छुड़ा पाऊंगा। ओ यार कितनी प्रॉब्लम्स है, मतलब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स। तो यार अब क्या करना चाहिए मेरे को? हीरोइन, वेट, व्हाट, इसने मेरे को देखा नहीं क्या? और वो देखो वो अपने बेसमेंट में जा रहा है, भाई देखा क्यों नहीं उसने मेरे को, उसके सामने खड़ा था मैं। व्हाट द हेक, ये क्या था? मेरे को डर लग रहा है अभी सच में, वो मुझे देख क्यों नहीं पाया? वेट, पहले तो मैं नीचे उतरता हूँ एकदम बिना आवाज करे। हाँ वेट, बिना आवाज करे। ओ क्या इसका मतलब ये है कि हीरोब्राइन ब्लाइंड है, क्योंकि मैं उसके लिटरली सामने था एंड वो मुझे देख नहीं पाया एंड मेरे एकदम सामने से होकर चला गया। इसका एक ही मतलब है कि हीरोब्राइन देख नहीं सकता एंड वो बस साउंड ट्रैकिंग करके हमको पकड़ता है। ओ माय गॉड, तुम्हें को भी बिल्कुल आवाज नहीं करना है एंड एक जगह पर छुप जाता हूँ ऐसी सेफ्टी के लिए। ओ सो अब मैं समझा कि ये साइंटिस्ट ने वो चीज वहां पर छुपाई कैसे, तो हीरोब्राइन तो ब्लाइंड है, तो साइंटिस्ट ने इसी का फायदा उठा के उसने वो नाइफ वहां पे रख दी थी। भाई मतलब साइंटिस्ट को सब मालूम है। एंड देखो ये मार्क शायद से वही फुटप्रिंट्स है जो कि मैं उस दिन आया था। एंड मुझे अब ये भी समझ में आ गया कि उसने मेरे को कैसे पकड़ा था वहां पर, क्योंकि देखो मैं वहां से आ तो रहा था क्राउच कर करके बिना आवाज करे, लेकिन जैसे ही मैं साइंटिस्ट के एकदम करीब पहुंचा मैं भागने लगा एंड उसी भागने वाले साउंड से हीरोब्राइन को पता चल गया मैं वहाँ पे हूँ। एंड आई गेस हीरोब्राइन बहुत खतरनाक है एंड वो एक एक साउंड पकड़ सकता है, इसलिए वो वन ऑफ द स्कैरिएस्ट एंड डेंजरस विलन में से एक है। तो चलो हम लोग को उसकी वीकनेस मालूम पड़ गई है, लेकिन मैं हमेशा के लिए क्राउच करके नहीं चल सकता। एंड अभी सबसे मेन चीज है कि मेरे को भी साइंटिस्ट को छुड़ा के लेके जाना है यहाँ से, लेकिन कैसे जाओ यार? वेट, क्या हो अगर मैं वो नाइफ बना लूँ तो?
क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे माइनक्राफ्ट में मिली है, तो फिर उसको हम लोग क्राफ्ट भी कर सकते होंगे। तो मेरे पास एक मस्त प्लान है, हम लोग बिना आवाज करे एकदम चुपचाप इस पोर्टल से वापस अपने वर्ल्ड में जाते हैं एंड वहां से एक नाइफ क्राफ्ट करके इस साइंटिस्ट को छुड़ा लेते। लेकिन ये मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा एंड तुम लोग सोचे होंगे कि मैं यहाँ पे क्राउच क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, उसकी साउंड सुनने की शक्ति बहुत तेज हो सकती है। तो चलो लेट्स गो। आ गया। एंड देखो मेरा सामान अभी तक सही सलामत है, ऐसे तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। एक डर्ट का ब्लॉक है, एक तू ही है मेरा डर्ट जो कि मेरे साथ था। थैंक यू दोस्त। तो चलो आएगा इस यहाँ पे मैं कितनी भी आवाज कर सकता हूँ। एंड चलो फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते एंड देखते उस नाइफ की रेसिपी। एंड यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस घर के अंदर उसके बेसमेंट के अंदर क्या है एंड वहाँ पर कुछ तो ऑब्जेक्टिव करके लिखा था। यार सच में अभी बहुत सारी चीजें अभी मालूम करनी है, लेकिन सबसे पहला काम है साइंटिस्ट को बचाना एंड साइंटिस्ट की मदद से हम लोग उस हीरो पॉइंट को खत्म करेंगे। तो चलो ये बनाया मैंने क्राफ्टिंग टेबल एंड देखते उस नाइफ की रेसिपी। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं नाइफ एंड देखो ये रही सेम टू सेम एंड इसकी रेसिपी है वो काफी इजी है, क्योंकि हम लोग को स्टोन चाहिए और कोबाल्ट स्टोन चाहिए एंड एक हैंडल चाहिए। वेट ये कैसे होता है? वो ये रहा। तो हैंडल बनाने के लिए हम लोग को डार्क आयरन चाहिए एंड ये कहाँ पे मिलेगा? ओके डार्क आयरन। अच्छा डार्क आयरन को बनाने के लिए हम लोग को कोल मिक्स करना पड़ेगा नॉर्मल आयरन में, क्योंकि काफी इजी है। ओके लेट्स गो फटाफट। तो फिर हम लोग को बस दो आयरन चाहिए एंड दैट्स इट, फिर हम लोग बना सकते एक नाइफ एंड छुड़ा सकते साइंटिस्ट को। तो चलो जल्दी से बनाते बेसिक टूल्स एंड चलते हैं डायरेक्ट नीचे। तो चलो बहुत सारे स्टोन ले लेते हैं यहाँ से, कोबाल्ट स्टोन ले लेते हैं एंड स्टोन को बनाने के लिए शायद से मुझे इनको स्मेल्ट करना पड़ेगा। तो चलो काफी स्टोन आ गया है, अभी डायरेक्ट नीचे चलते हैं एंड कुछ आयरन ढूंढ के लाते हैं। इसको बोलते एकदम तगड़े वाला लक। इतना अच्छा लक किसका होता है? मेरा होता है। तो चलो बनाते एक फर्नेस एंड इस फर्नेस में डालते कोबाल्ट स्टोन। चल पक जाए जल्दी एंड अभी एक स्टोन की पिकैक्स बनाता हूँ। बूम एंड चलो आ गया आयरन। तो चलो काफी इतना सारा एंड चलो स्टोन भी रेडी है एंड वेट कोल भी चाहिए ना। अरे मिल जा कोल, अब क्या रुलाएगा क्या? डायमंड इतना मुश्किल क्यों हो रहा है इसे ढूंढना? अरे यार ग्रेवल आ गया ना, हटाओ इस ग्रेवल को। कोई वो ये क्या है? काफी नई नई चीजें मिल रही है। एल्यूमिनियम और ओ भाई बढ़िया भी नहीं चाहिए एंड कोई मामूली सा कोल देगा? नहीं दो ही मत। अरे आयरन मिल रहा है, कोल नहीं मिल रहा है बट, और ग्रेवल आ गया। यार हटाओ इसको इस गेम से। ओ चलो फाइनली एक कोल मिला, भर भर के लेके जाएगा मैं। अरे चला वुडन पिकेक्स है ना। तो चलो लेट्स गो। ये देखो कितने कोबाल्ट स्टोन आ गए, समझ सकते हो कितना नीचे गया था मैं। तो चलो आ गया फाइनली एंड सब कुछ हो चुका है तैयार। तो ये डाला मैंने आयरन, ये डाला कोल, बन गया डार्क आयरन एंड अभी हम लोग को इसको इस तरह से रखना है एंड वेट कैसे बना देते। ओके पहले तो हैंडल बनाना है, हैंडल गो एंड गो एंड अभी बनेगी नाइफ कुछ इस तरह से एंड बूम बन गया स्टोन नाइफ। पहली बार इतनी खुशी हो रही है, अब फाइनली मैं साइंटिस्ट को बचा सकता हूँ एंड चलो पहुंच गए। और यार खाना भी कम है, लेकिन वेट अ सेकेंड, अगर मैं उस वर्ल्ड में जाऊंगा तब तो मेरे सारे आइटम डिसअपीयर हो जाएंगे। नो अब क्या करूँ? बट वेट एक चीज मैंने नोटिस की है कि मेरा चश्मा अभी तक वापस नहीं आया, जरूर बेसमेंट में छुपाया रहेगा। यार मेरे को चाहिए मेरा चश्मा, क्योंकि चश्मे के बिना प्रोग्रेस नहीं होता। इसलिए हीरो बैंड बेटा चश्मा तो मैं जरूर चुराऊंगा, मेरा ही चश्मा है, तूने चुराया उसे। लेकिन अभी इस नाइफ का कुछ तो करना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि अगर मेरा स्किन नहीं बदला है एंड देखो जो मेरा चश्मा हट गया था वो अभी भी हटा हुआ ही है। सो आई गेस अगर मैं अपने नाइफ को यहाँ कहीं रखूँ तो वेट नहीं रख सका क्या? इतना अच्छा आइडिया मिला था यार, ऐसे पोपट मत करो। ओ वेट यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? हाँ तो क्या अब मैं जा सकता हूँ इसके अंदर? क्योंकि देखो इन्वेंटरी खाली होगा चलेगा, मेरा ये तो खाली नहीं होगा ना। तो चलो ट्राई करते हैं 3 2 एंड हाँ एक मिनट, क्राउच करके जाना है, गलती से भी आवाज नहीं करना है वरना गंदी कुटाई करेगा वो। तो चलो 3 2 एंड 1 यस नाइफ आ गई। लेकिन वेट इसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो गई है पूरी, इसका मतलब सिर्फ एक चांस है इसको यूज करने का। तो चलो एकदम संभाल के क्राउच कर करके जाते हैं एंड होपफुली वो अभी तक जिंदा है ना। तो चल साइंटिस्ट मैं तेको छुड़ाता हूँ। ओके लेट्स गो। ओके एंड चलो अच्छा ये भी क्राउच कर रहा है, हेलो आ जा। ओके आ रहे, तो चल जल्दी आ जा, बस थोड़ी सी दूरी है फिर हम लोग अपने मंजिल में पहुंच जाएंगे एंड देन हम लोग साथ में एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि हम लोग हीरो बैंड को फोड़ डालेंगे। ओके लेट्स गो, थोड़ा सा ये बस। ओके कम ऑन कम ऑन। अरे उठा क्यों? ओ नो हीरो बैंड कहाँ पे लेके जा रहा है मेरे को? प्लीज कोई बचाओ।